रुक करते हैं प्रदेश की ओर। एनएच शिमला धर्मशाला सड़क की खस्ता हालत को देखते हुए सरकार तथा प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। सड़क की खस्ता हालत नमहोल राजघाट से लेकर जुखाला तक इतनी खराब हो गई है कि ये पता नहीं चलता है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। गड्ढों की वजह से काफी दुर्घटना हो चुकी है, फिर भी इस ओर सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। एनएच शिमला धर्मशाला सड़क की खस्ता हालत को देखते हुए सरकार तथा प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। सड़क की खस्ता हालत नमहोल राजघाट से लेकर जुखाला तक इतनी खराब हो गई है कि ये पता नहीं चल पाता है कि सड़क में खड्डा है या खड्डे में सड़क है। खड्डों की वजह से काफी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, फिर भी इस ओर सरकार का कोई ध्यान भी नहीं है। इस मामले पर जब नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक से बातचीत की गई तो उन्होंने निंदा व्यतीत करते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार अपने चहेते ठेकेदारों को ठेका देते हैं, जिनसे बाद में सड़क की हालत को पूछा तक नहीं जाता। हम बात कर रहे हैं शिमला धर्मशाला सड़क मार्ग की, जिसकी हालत काफी दयनीय बनी हुई है और सड़कों पर दो दो फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं। हाल ही में 3 से 4 महीने पहले ही इस सड़क मार्ग की टायरिंग व रिपेयर किया गया था, लेकिन इतने समय के अंतराल में ही सड़क की खस्ता हालत हो गई है। एनएच शिमला धर्मशाला तथा मनाली के लिए भी हजारों यात्री इस सड़क मार्ग से रोजाना गुजरते हैं और उन्हें भी सड़क की खस्ता हालत देखकर काफी परेशानी होती है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि मुख्यमंत्री के पास खुद ये विभाग है, फिर भी कोई कार्रवाई तक नहीं हो रही है और ना ही सड़क मार्ग को ठीक करने के बारे में सोचा जा रहा है, जिसकी उन्होंने निंदा की है। देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब जब हमने बात करी है तो सरकार में बैठे हुए लोगों को उसकी बड़ी परेशानी हुई है। मैंने पहले भी कहा था कि पीडब्ल्यूडी के पास इतना पैसा ही नहीं है कि जो ग्रामीण सड़कों का जो है वो रिपेयर हो सके। सरकारी तंत्र ने ये कह दिया कि हमने 4 दिनों के अंदर अंदर सारी सड़कें जो है वो ठीक कर दी और ट्रैफिक चली है। पर मैं उदाहरण के तौर पर देना चाहूँगा, हमारे ये नेशनल हाईवे है और अब तो निहाई को ये सड़क जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ से बिलासपुर ज़िला में जो राजघाट है वहाँ से लेके और ये जुखाड़ा तक ये आगे तक का एरिया एक ठेकेदार को दिया था। मैं ठेकेदार का नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि ठेकेदार भी बिलासपुर का है और वो काम 2-3 महीने पहले हुआ और सारा काम होने के बाद ठीक 1-1.5 महीने के बाद जो है वो जो उसमें पैच वर्क दोबारा से करना पड़ा। अभी अगर जाके देखो तो इस सड़क के ऊपर ऐसा लगता है कि हर मोड़ के ऊपर जो है वो गाड़ी जो है वो कोई ना कोई उसमें कोई हादसा हो सकता है गाड़ी का। मोटरसाइकिल स्कूटर के लिए तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कारण क्या है कि ठेकेदारों को काम भी दिया जाता है और वो किस आधार पर दिया जाता है, कैसे दिया जाता है वो तो सरकार जाने। पर क्या ऐसा भी कोई मापदंड है कि ये सड़कों का जो रिपेयर हो रही है, ये सड़कों की जो टारिंग हो रही है, ये इसका कोई जो है समय सीमा भी है कि कब तक ये चलनी चाहिए? एक तरफ से काम हो रहा है, दूसरी तरफ से ये उखड़ रहा है। पैच वर्क होने के बाद अब मैं 3 महीने की बात कर रहा हूँ, 3 महीने के बाद अब दोबारा से ये सड़क जो है कोई भी मोड़ नहीं है और जिसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई एक्सीडेंट जो है ना होता जा रहा है। कोई मोटरसाइकिल वाला गिर रहा है, कोई स्कूटर वाला गिर रहा है, कोई बड़ी गाड़ी चली है तो उसका उसका जो है नुकसान हो रहा है। ये मेरा समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार कर क्या रही है। कहती कुछ है, करती कुछ है। और अगर मान लो नेशनल हाईवे अथॉरिटी से ये भी बात की जाए, इस सड़क के ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। मैंने डायरेक्टर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हैं, मैंने उनको टेलीफोन किया था 3-4 दिन पहले जब मैं शिमला से आया था और सड़क का जो मैंने देखा, तो मैंने डायरेक्टर साहब से टेलीफोन पे बात करी। बाकी अधिकारियों से मैंने कहा कि जी नेशनल हाईवे वाले इनकार कर रहे हैं कि जी हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो निहाई के पास है। फिर मैंने डायरेक्टर साहब को पूछा तो डायरेक्टर ने कहा मैं तुरंत इस काम को कर रहा हूँ, लेकिन क्या काम ये होगा कि जितने खड्डे पड़े हुए हैं सड़कों में उसको मिट्टी से भरा जाए और सारे धूल ही धूल और जो है वो जो छोटी गाड़ी चलाने वाले उनकी दिक्कत आ रही है। मैं ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री स्वयं देखे, क्योंकि डिपार्टमेंट उनके पास है, खुद देखें कि वो आगे बात करें। अगर वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का अगर कोई काम है तो उनको बोले वो काम करें। फिर कहने के लिए तो है कि राज्य सरकार का काम नहीं है, ये
ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सरकार है, सरकार का काम है। अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये काम है तो उसको कोई ना कोई तो करना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट भी आ रहे हैं, लोगों का रोज़मर्रा चीज़ें हैं, रोज़ गाड़ियाँ जो है दारला से जो है गुजरात अंबुजा की गाड़ियाँ भी जाती है, वहाँ से जो है वो हमारे जो सोलन ज़िला में मांगड़ में जो हमारा प्लांट है सीमेंट का प्लांट, वो भी गाड़ियाँ जा रही है, बिलासपुर से भी गाड़ियाँ जा रही हैं, तो ये कैसे काम चलेगा ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हम अगर कहें तो उनको बुरा लगता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को स्वयं देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या गलती है, कैसे उसको ठीक करना है और लोगों की समस्याओं का कैसे निपटारा करना है।